हम लोग आई थिंक ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में कहाँ तक पहुँच गए थे। आई थिंक मेगा सिटीज ऑफ इंडिया डोमिनेंट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इस क्वेश्चन से करना है। इसे जस्ट पहले विंटर स्मॉग वाला क्वेश्चन किया था, इस पर डिस्कस भी किया था कि जो समर स्मॉग है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एनवेक्स की वजह से होता है, विंटर स्मॉग है वो एसवेक्स की वजह से होता है। और यही डिफरेंस है कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है वो समर स्मॉग होता है। जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है जो लाइट सनलाइट के प्रेजेंस में रहता है उसके लिए धूप चाहिए तो वो समर में होगा। लेकिन जो दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है, जो सिटीज में पोल्यूशन होता है और दिसंबर नवंबर के टाइम में स्मॉग बनता है वो सल्फर वाला होता है, वो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से आ सकता है भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। इन मेगा सिटीज ऑफ इंडिया डोमिनेंट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इज, इंडिया की मेगा सिटीज में डोमिनेंट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है? तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर, थर्मल पावर, म्यूनिसिपल वेस्ट, कमर्शियल सेक्टर, व्हाट इज द डोमिनेंट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट, थर्मल, कमर्शियल, म्यूनिसिपल सबसे तो है, बट म्यूनिसिपल जो वेस्ट होता है वो सॉलिड टाइप का होता है। वो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो होगा वो एयर से ज्यादा वाटर और सॉइल को पोल्यूट करेगा। कॉमर्शियल सेक्टर मतलब इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज तो एयर को पोल्यूट करती है, थर्मल पावर प्लांट भी एयर को पोल्यूट करते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी पोल्यूट करता है। डोमिनेंट सोर्स का मतलब क्या है? जो सबसे ज्यादा हो, और ऊपर से सिटीज में जो पावर प्लांट्स हैं वो सिटीज से बाहर के हैं तो चलो वो आउट हो गए। कॉमर्शियल सेक्टर पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं। ट्रांसपोर्ट तो ऑब्वियसली अर्बन एरियाज में ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट सबसे बड़ा इश्यू है, आई थिंक यही आंसर होगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग रिस्पॉन्सिबल फॉर आई इरिटेशन। फोटोकेमिकल स्मॉग में जो आई इरिटेशन करता है वो पहली बार तो एनवेक्स की वजह से ही कुछ हुआ होगा। और आई इरिटेशन SO2N O3, SHON PN, SO2N SPM, SO2N NO2, तो SOx एनवेक्स मतलब फोटोकेमिकल स्मॉग तो एनवेक्स की वजह से बन ही रहा है। आईज में इरिटेशन आई थिंक पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट करता है, PAN करता है, तो सही ऑप्शन अगर होता तो NO2 और PAN होना चाहिए था। पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट के लिए NO2 से बनता है तो NO2 चाहिए होता है, बट ऑप्शंस उस तरह से है नहीं तो रहने देते हैं, बट PAN होता है रीजन। डायऑक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, डायऑक्सिन्स केमिकल्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बर्निंग प्लास्टिक्स। बर्निंग प्लास्टिक्स कैन बी स्पेशली प्रॉब्लमेटिक विथ PVC प्लास्टिक इन पर्टिकुलर, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हाई इमिशन ऑफ डायऑक्सिन्स। बर्निंग दिस प्लास्टिक कैन रिलीज डायऑक्सिन्स। तो डायऑक्सिन्स देखते हैं जरा, डायऑक्सिन्स अच्छा, डाइऑक्सीन दो ऑक्सीजन है, बेंजीन रिंग में दो ऑक्सीजन एक ऊपर एक नीचे, टायर को भी बर्न करने से डाइऑक्सीन्स पैदा होते हैं। अनसेचुरेटेड सिक्स मेंबर हेट्रोसाइकिल रिंग विद टू ऑक्सीजन एटम, तभी डाइऑक्सीन है। ठीक है भाई, डाइऑक्सीन एक पोल्यूटेंट है और ये प्लास्टिक और रबर से आता है आई थिंक। स्लोगन ए ट्री फॉर ईच चाइल्ड वॉज कॉइंड फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, यही क्या है? द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस, आई थिंक मेरे हिसाब से बायोगैस मीथेन है सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट, क्योंकि बायोगैस जो है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से प्रोड्यूस होती है, वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में जो सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस होती है वो मीथेन होती है, फिर CO2 है, तो मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा बहुत H2S मॉइस्चर एंड हो सकती है, बट बायोगैस का मतलब है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से आने वाली गैस। स्टिल एक बार देख लेते हैं। बायो क्रॉप से, वेस्ट वाटर से,
फूड वेस्ट से, लाइफ स्टॉक वेस्ट से एनारोबिक डाइजेस्टर बना दिया जाए, तो एक जो सॉलिड बनेगा वो डाइजेस्टेट है, जो गैस बनेगी वो बायोगैस है, जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर सकते हैं। बायोगैस बायोमिथेन फ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं। जो डाइजेस्टेट है वो फर्टिलाइजर की तरह, सॉइल की तरह या लाइफ स्टॉक बेडिंग की तरह यूज किया जा सकता है। इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? आई थिंक दिस डिजर्व्स समथिंग टू बी स्टोर्ड। आई हैव ए फुल सेक्शन सिविल इंजीनियरिंग मेमोरी में है। सिविल इंजीनियरिंग में मैंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक सेक्शन बनाया है, उसको बाद में मैं ईवीएस में डाल दूंगा। तो इन्वायरमेंटल, और इन्वायरमेंटल में मुझे ये बताना चाहिए कि भाई ये बायोगैस का मामला है क्या। तो जो ह्यूमन एंड जो बायोलॉजिकल जो भी चीज़ें हैं, क्रॉप्स हो गई, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन वेस्ट हो गया किचन विचन का, इन सबको आप एक एनारोबिक रिएक्टर में डाल दो, कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा तो डाइजेस्टेड बन जाएगा, जो गैस बनेगी वो बायोगैस बन जाएगी, वो हम मीथेन की तरह फ्यूल में भी यूज कर सकते हैं, गैस ग्रिड में भी डाल सकते हैं, और जो डाइजेस्टेट है वो फर्टिलाइजर की तरह यूज हो जाएगा। अच्छा, एक लेट्रिन को सीधे आप डाल दो डाइजेस्टेट, और गैस जो है वो बायोगैस रिएक्टर इज हार्ट ऑफ एनी बायोगैस प्लांट। ठीक, सरफेस ओजोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, सरफेस ओजोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टेक्सटाइल, सीमेंट प्लांट, केमिकल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आ सकता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से सरफेस ओजोन। लेकिन सरफेस ओजोन का मतलब है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। आई थिंक ट्रांसपोर्ट सेक्टर सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिव सेक्टर तो नहीं होगा ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, क्योंकि ओजोन जो है वो ट्रोपोस्फेरिक है ही नहीं, वो स्ट्रेटोस्फेरिक है। ओजोन लेयर जो मिलती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। ट्रोपोस्फेयर में अगर ओजोन आ रहा है तो वो ट्रेस अमाउंट में है, आया कहाँ से देख लेते हैं। ओजोन तो स्ट्रेटोस्फेयर का इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, 10 से 50 किलोमीटर ऊपर ट्रोपोस्फेयर, उससे नीचे वाला एटमोस्फेरिक लेयर है। ओजोन इज लीस्ट कंसंट्रेटेड इन द ग्राउंड लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर, बनता है रिएक्शन से बिटवीन NOx एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज केमिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑफ ओजोन। ये मतलब फोटो वाला जो स्मॉग है, फोटो केमिकल स्मॉग, उसमें जो ओजोन है वो बनी कहाँ से, वो बनी NOx से। अबाउट 90% ऑफ टोटल ओजोन इन द एटमोसफेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर, 10% ट्रोपोस्फीयर में है। अगर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, ऑल्दो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज लेस कंसंट्रेटेड इन स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन, ये हेल्थ इफेक्ट्स के बहुत ज्यादा हैं। और ट्रोपोस्फेयर में ये ग्रीन हाउस गैस है और ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग से बचाती है। फोटोकेमिकल एंड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग ओजोन ड्राइव मैनी ऑफ द केमिकल प्रोसेस। अब मुझे समझ में आया, ट्रोपोस्फेयर में जो व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, वो NOx पैदा करते हैं। NOx जो है वो केमिकल रिएक्शन करके, फोटोकेमिकल रिएक्शन करके ओजोन पैदा करती है। यही वजह है कि उसमें जो आंसर है वो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, कि उसके लिए NOx तो चाहिए, मेन रिएक्शन ही वही है। ओजोन रेस्पिरेटरी सिस्टम को इरिटेट कर सकता है, लंग, अस्थमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करता है।
हो गया आई थिंक। सरफेस ओजोन फोटोकेमिकल रिएक्शन से बना होगा, उसके लिए एनओएक्स चाहिए जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, कोल पेट्रोलियम वाटर एनर्जी विंड एनर्जी, सदर्न कैलिफोर्निया नॉर्वे रसिया पर्शियन गल्फ मैच कराना है। तो आई थिंक कोल पेट्रोलियम पहले से कर लेते हैं, पेट्रोलियम तो पर्शियन गल्फ का पूरा क्या बोलेंगे, पर्शियन गल्फ का डोमिनेंस है, पर्शियन गल्फ का ही एरिया है कोल। पर्शियन गल्फ की मोनोपोली एक तरीके से पेट्रोलियम में, पर्शियन गल्फ। ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, दुबई, ओमान, पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ, अरेबियन गल्फ, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, ये है हमारा पर्शियन गल्फ। इसको मुझे वेस्ट एशिया में स्टोर कर लेना चाहिए, वेस्ट एशिया, एशिया जियोग्राफी वर्ल्ड, जियोग्राफी में गए वर्ल्ड जियोग्राफी और गए वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में मैंने आई थिंक कुछ किया है, क्लाइमेटोलॉजी किया है, डेजर्ट्स 30 डिग्री वाला फैक्टर डाला था, ह्यूमन जियोग्राफी में कुछ कुछ डाला है, इकोनॉमिक जियोग्राफी में, हाँ ये पॉइंट तो इकोनॉमिक जियोग्राफी में ही आएगा। नहीं, मुझे तो अभी फिजिकल जियोग्राफी दिखानी है, पर्शियन गल्फ दिखाना है। पर्शियन गल्फ यहाँ दिखा देता हूँ, पर्शियन गल्फ, अरेबियन गल्फ। आई थिंक एज एन इंडियन हमें इन सारी कंट्रीज के बारे में जो पर्शियन गल्फ है, अरब कंट्रीज हैं, खूब पता है क्योंकि लोग यहाँ जाते हैं, बट साउथ ईस्ट एशियन की कंट्रीज के बारे में कम पता है, वहाँ से हमारा इंटरेक्शन कम, क्योंकि उल्टा है, होना उल्टा चाहिए। हमें स्ट्रेटजिकली ईस्ट की, साउथ ईस्ट एशियन की कंट्रीज जो है उनके साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ाना चाहिए, बट डेवलप तो वो भी है, थाईलैंड और सिंगापुर कम डेवलप थोड़ी ना है। कहाँ गए हम लोग, पर्शियन गल्फ, तो पेट्रोलियम पर्शियन गल्फ हो गया, कोल रसिया, रसिया को कोल यूज करता है निकाल निकाल के साइबेरिया से। वाटर एनर्जी भाई, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, क्लीन एनर्जी, नॉर्वे, नॉर्वे के पास वाटर एनर्जी के लिए है ना काफी सारा वाटर रिसोर्स। विंड एनर्जी, सदर्न कैलिफोर्निया, सदर्न कैलिफोर्निया में ऐसा विंड का क्या है, सदर्न कैलिफोर्निया में विंड का, अच्छा बहुत तेज विंड आती है भाई सदर्न कैलिफोर्निया में। सदर्न कैलिफोर्निया है किस रीजन में, पहले तो ये देखना पड़ेगा। सेंटा एना विंड, सेंटा एना तो ठीक है, नाम सुना सुना लग रहा है, पर पहले तो सदर्न कैलिफोर्निया एज ए जिग्राफर हमें ये जानना पड़ेगा कि सदर्न कैलिफोर्निया है कहाँ पे, यूरोप, यूएसए में सदर्न कैलिफोर्निया को लोकेट करना पड़ेगा। जब तक हम उसको लोकेट नहीं कर पाएंगे, कोऑर्डिनेट्स नहीं बताओगे उसके, तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि वहाँ पे क्या है वेदर कंडीशंस। आई थिंक अभी तक नहीं क्लियर हुआ, मुझे सदर्न कैलिफोर्निया का मैप नहीं, मुझे सदर्न कैलिफोर्निया यूएसए का मैप चाहिए।
सदर्न कैलिफोर्निया, मैं पढ़ा देते हैं। हीट से परेशान है वहां पे लोग, फायर से परेशान है, वाइल्ड फायर से परेशान है। जिनको चिल करना वो चिल भी कर रहे हैं। आई एम नॉट क्लियर। सदन हटा देते हैं यार, ये सदन मुसीबत कर रहा है। कैलिफोर्निया देखते हैं। अच्छा, ऐसा है मामला। फिर गया ये है तो वेस्ट कोस्ट। सेंटा है ना, विंड्स का क्या है यहाँ पे लेना देना है? क्योंकि भाई अगर विंड पावर यूज कर रहा है कैलिफोर्निया तो हमें उसकी वजह जानना पड़ेगी कि वो विंड पावर लगातार जो बारहों महीने विंड का आना भी तो चाहिए, नहीं तो पावर प्लांट बंद होने रखेंगे। पावर प्लांट अगर बना ले रहे हैं इसका मतलब है कुछ है मामला। सेंटा है ना, विंड्स, हाई प्रेशर लो प्रेशर। हाई प्रेशर कैलिफोर्निया के डेजर्ट में होता होगा, लो प्रेशर तो एक विंड इधर आता होगा कोस्ट की तरफ, मैक्सिको की तरफ, यहीं लगा देते होंगे वो लोग। ठीक समझ गया मैं। सेंटाना विंड को यूज करते होंगे ये लोग, जो कैलिफोर्निया में पावर प्लांट्स होते होंगे विंड बेस्ड। ये अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजी में आना चाहिए। अमेरिका का क्लाइमेट नॉर्थ अमेरिका है, इसमें विंड्स भी आ जाती है ना, लोकल विंड्स। सेंटा एना विंड्स, भाई सेंटा एना विंड ना होती तो वो विंड पावर प्लांट कैसे बनाते हैं विंड बेस्ड। ये रही सेंटा एना, सेंटा एना कहाँ है? कैलिफोर्निया, एलए, लॉस एंजल्स। हाई प्रेशर ग्राउंड वैसे भी गर्म हो जाता होगा तो हाई प्रेशर होता होगा, पानी ठंडा रहता होगा तो लो प्रेशर। नहीं उल्टा होता है यार, जहां गर्म हो जाएगा वो लो प्रेशर बनेगा। सेंटा एना विंड्स आर हॉट ड्राई विंड ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया। वे आर कॉज्ड बाय लार्ज प्रेशर ग्रेडिएंट फनल थ्रू माउंटेन पासेस एक्सलेट डाउन हिल टू हाई स्पीड कैन स्प्रेड वाइल्ड फायर। तो कैलिफोर्नियन वाइल्ड फायर की वजह यही है भाई। ये तो बहुत बढ़िया चीज मिली है मुझे, क्योंकि कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर बड़ी फेमस चीज है। इसको जो यही बैठे बैठे छोटा करते हैं, कैलिफोर्नियन वाइल्ड फायर की वजह जो है मिल गई आज मुझे। सेंटा है ना, बहुत तेजी से आती है, हॉट होती है, ड्राई होती है तो आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। ठीक है, डायबलो भी है। इन द फॉल कूल ड्राई हाई प्रेशर एयर बिल्ड्स अप थाउजेंड्स ऑफ फीट अबव द कैलिफोर्निया कोस्ट एंड ग्रेट बेसिन। और डायबलो विंड है, एक सेंटा है, एना है, ड्राई हाई प्रेशर है। कूल थी ये, कूल तो नहीं है, हॉट है। सेंटा एना सदर्न कैलिफोर्निया डेजर्ट टाइप की विंड है। डेजर्ट वैसे भी हाई प्रेशर, नवादा डेजर्ट हाई प्रेशर एरियाज होते हैं, तो वहां से जो डेजर्ट विंड चलती है उसे हम सेंटाना बोलते हैं। लॉस एंजल्स के पास, एलए के पास सेंटाना। पहली बार आई थिंक मैं सेंटाना पे इतना फोकस कर रहा हूँ कि मुझे सेंटाना के बारे में जानना था कि सेंटाना विंड को यूज करके आप विंड पावर प्लांट बना सकते हो। 50-60 माइल्स पर आवर हाई फायर इज लोकलाइज डैमेज। सेंटा एनास आर ड्राई समटाइम्स हॉट विंड इन सदर्न कैलिफोर्निया दैट ब्लू वेस्टवर्ड थ्रू कैनियंस टुवर्ड कोस्टल रीजंस। दे टिपिकली अकर फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च टेंडिंग टू पीक इन दिसंबर बट स्प्रेड वाइल्ड फायर्स इन फॉल अक्रॉस एरियाज। फर्स्ट पॉइंट, दे आर हाई प्रेशर इन गेट बेसिन। गेट बेसिन तो डेजर्ट है, समझ गया, डेजर्ट तो हाई प्रेशर होता ही है। हाई
सियरा नेवादा माउंटेन विंड्स को ब्लॉक कर देता है, उनको थोड़ा सा फैला देता है। डेजर्ट्स हेल्प्स हीट एंड ड्राई द विंड एज मूव साउंड एज द विंड मूव फ्रॉम हायर टू लोअर एलिवेशन एंड स्क्वीजेस थ्रू नैरो कैनियंस दैट आर हीटेड फर्दर एंड पुश टू हायर स्पीड। द हीटेड ड्राई एयर इज फोर्स टू पासेस एंड कैनियंस सेंटाइन एंड कैनियन विंड नेम इज डिराइव टूवर्ड्स द कोस्ट, कोस्ट की तरफ आती है गर्म गर्म हवा। आई थिंक सेंटा एना के बारे में मुझे अच्छा खासा नॉलेज हो गया है, अच्छा खासा। अच्छा खासा वाईफायर करती है। डैमेज करती है भाई सेंटा है ना, अच्छा खासा यूरोप का, अमेरिका का सॉरी, डैमेज कर डालती है। आग लगा देगी आग। चलो सेंटाइना के बारे में काफी कुछ क्लियर हो गया, तो आते हैं वापस। कूल रसिया, रसिया में कहाँ पे कूल के एरियाज हैं वो भी देख लेते हैं। रसिया में कूल की माइंस मैप देखते हैं, क्या साइबेरिया में या फिर कहाँ से निकालते हैं। रसिया में कोल डिपॉजिट है अच्छा खासा, अच्छा खासा है, साइबेरियन एरिया में ही है, जिधर लोग नहीं रहते हैं उधर ही है ईस्टर्न रसिया। रशियन कोल बेसिन्स, तो कोल हो गया रशिया, पेट्रोलियम हो गया पर्शियन गल्फ, वाटर एनर्जी नॉर्वे, विंड एनर्जी सदर्न कैलिफोर्निया। मैच द टू कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। बॉक्साइट, हेमेटाइट, माइका, टिन।